मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में सिस्को के लिए तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली पर विचार किया गया। नियमावली में पारा सिस्को के स्थायीकरण व वेतन मान के लिए सीमित परीक्षा के स्वरूप पर अंतिम निर्णय लिया जा सका। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल लगभग 13,000 पारा सिस्को को स्थायीकरण व वेतन मान के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा सिस्को को 5,200 से 20,200 का वेतन मान दिया जाएगा। नियमावली में जो परीक्षा का प्रावधान किया गया है उसका स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में महाधिवक्ता से राय ली जाएगी। इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि जो पारा शिक्षक टेट सफल नहीं है उन्हें टेट पास करने पर ही अस्थायी किया जाए या फिर उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाए। इस पर अंतिम निर्णय महाधिवक्ता के राय के बाद लिया जाएगा। परीक्षा पास करने के बाद पारा शिक्षकों का स्थायीकरण होगा व वेतन मान दिया जाएगा। पारा शिक्षक की सेवा संतोषप्रद रहने पर वे अधिकतम 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे। महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। पारा शिक्षकों को वर्ष में अधिकतम 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। महिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा क्या लगा लगा के सेल्फी तो बनती है। चाचू मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओ सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105 डिग्री सुपर वाइड सेल्फी ऑन वीवो V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मकीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह,